कंट्रोल रोड पर सरकारी इमारत के छठे फ्लोर पर आग लग गई। आग रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब की इमारत में लगी। छठे फ्लोर तक रसाई में रेस्क्यू टीम्स को ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम नोयत के मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। सरगोदा में बदी नाले कटास राज मंदिर समेत दीगर केसेस की भी समाअत होगी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पंजाब के सियासी कला में नून लीग की मजबूत दीवार टूट गई। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें दुरुस्त साबित। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में 12 मतवाले कप्तान की टीम के हामी निकले। चौधरी परवेज इलाही अपने टारगेट से भी जायद वोट ले उड़े। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद 186 थी, जबकि नून लीग की 162 में से 147 वोट मिले। उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किए चौधरी परवेज इलाही रुकन सुबाई असम्बली PP30 ने 201 वोट लगाए। पंजाब में नून लीग पहले इम्तिहान में नाकाम। कप्तान के लिए मैदान साफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीटें अपने नाम कर ली। चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखिब। नून लीग के इकबाल गुज्जर सिर्फ 147 वोट लेकर शिकस्त से 2-4। PTI के दोस्त मिजारी 187 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। नून लीग के वारिस कलू 159 वोट ले सके। हमारे लोग किधर गए, ढूंढो। लीग की क्यादत को टेंशन पड़ गई। हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक को बागी अरकान को ढूंढने का मिशन सौंप दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर नून लीग का वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं स्पीकर के इलेक्शन में हमारे वोट्स पर डाका डाला गया। नून लीग के कारकुनों को जहाज पर बनी गाला की यात्रा करवाई गई। अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना रुकी तो असेंबली को नहीं चलने देंगे। अपना मुकदमा जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के 2 जाले बागी निकले। पंजाब असेंबली में पीपी के 7 में से 2 अरकान ने क्यादत से बगावत की। पीपी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी फरतुल्ला बाबर ने शोकस नोटिस जारी किया। जराए क्यादत फैसले के खिलाफ जाने वाले MPA नबील रईस और गजनफर से जवाब तलब कर लिया। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी हमारा। नून लीग से पंजाब छिन गया। हुकूमत से बाहर रहने वाले ऑपोजिशन नहीं कर सकते। नून लीग का वोट बैंक सबने देख लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। रहनुमा PTI अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की हलफरदारी और खिताब के दौरान शदीद हंगामा आ रही। पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर गो स्पीकर गो के नारे लगाते रहे। ऐवान के बाहर परवेज इलाही के हक में नारे मिठाई तकसीम। जमहूरी तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। हमने नून लीग की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। नून लीग वाले अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। आवाम के मुफाद के लिए अच्छे फैसले करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। नए पाकिस्तान में भी हॉर्स ट्रेडिंग की पुरानी सदाएं। PTI ने हमारे छावे में हाथ मारा। विफाक की तरह पंजाब में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। जहाज और ATM मशीनों के जरिए अरकान को खरीदा गया। तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान की टेढ़ी बुनियाद रखी है। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। हजारों को तब
तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। ख्वाजा साहब रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हक था। पीडीआई पंजाब में ओपोजिशन का मुकाबला अवामी खिदमत से करेगी। हम मेंबरान पंजाब असेंबली को फंड्स नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट के जरिए तरक्याती काम करवाएंगे। नून लीग ने पंजाब असेंबली में ओपोजिशन बेंचेस का इंतखाब करके शिकस्त तस्लीम कर ली। मियां महमूद रशीद का ख्वाजा साद रफी के बयान पर रद्द अमल। आमदन से जायद असासाजात का मामला, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की नैब में पेशी। नैब हुकाम की डेढ़ घंटे तक पूछताछ, चौधरी परवेज इलाही इजलास में शिरकत के बायस नैब में पेश ना हुए। जश्न आजादी पर हवाई फायरिंग की जद में आने वाली लड़की दम तोड़ गई। मुल्तान रोड की रिहायशी फातिमा गुलजार 3 रोज बाद भी जनरल अस्पताल में जान भर ना हो सकी। अस्पताल इंतजामिया पोस्टमार्टम नहीं कर रही, बुरसा का इल्जाम। इंसानियत सोज वाकया, गुजरपुरा में डकैती के दौरान 32 साल खातून से ज्यादती। 3 डाकू नकदी और मोटरसाइकिल लेकर फरार, ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। डीआईजी ऑपरेशंस का वाकये का नोटिस, मुतासिर खानदान को इंसाफ मिलेगा। शहजाद अकबर की यकीन दहानी। डॉल्फिन स्क्वाड पीरू समेत दीगर पुलिस फोर्सेस नाकाम, डाकू बेलगाम। डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा, निश्तर कॉलोनी में डाकू शहरी से 60 लाख रुपए लूट कर फरार। एक हफ्ता बाद भी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। ग्वाल मंडी में डाकू मोमर खातून से रकम छीन कर रफू चक्कर, वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। गुलशन रावी में एटीएम मशीन पर शहरी से पैसे लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शफीकाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुकामी अदालत का मुलाजिम कत्ल। लवाही कीन का रावी रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा, गाड़ियों की लाइनें लग रही। पुलिस हुकाम की मुलजिम गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। पांच मनपसंद कंपनीज पर एलडीए की नवाजिशात, 5 साल दौरे हुकूमत में 5 कंपनीज को तरक्याती फंड्स का 90% हिस्सा दिया गया। 5 कंपनीज को 89 अरब 75 करोड़ 27 लाख 13 हजार रुपए के ठेके दिए गए। आजादी की कदर कफस में पर मारते परिंदे से पूछिए, जिसकी आजादी महज 50 रुपए के एवज बाजार में फरोख की जाती है। आजादी की कदर कश्मीर की झील में तैरती लाशों से पूछिए और कश्मीर के उन वासियों से पूछिए जिनको उनकी बेनाई से महरूम कर दिया गया। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे कानवान से नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में तुकरेरी मुकाबले। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तालिबा महनूद ने दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियों का शेड्यूल जारी, दरख्वास्त फॉर्म की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट और दौड़ 28 अगस्त को होगी। पीआईए के इंतजामी ओहदों पर तकरूर तबादले, पीआईए ने नैयर हयात को चीफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स तैनात कर दिया। नैयर हयात इससे कब्ल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ओहदे पर तैनात थे। जनरल मैनेजर बजट असद अब्बास आरजी तौर पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकर्रर। पाकिस्तान टेनिस टीम एशियन गेम्स में शिरकत के लिए इंडोनेशिया चली गई। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों के हमराह टीम मैनेजर खालिद रहमानी बट भी इंडोनेशिया गए। एशियन गेम्स में टेनिस मुकाबले 19 अगस्त से शुरू होंगे।
वजन 15 मन, कीमत 16 लाख, सफेद और सुरमई बादल के हर तरफ चर्चे। ईद कुर्बा की आमद आमद, मवेशी मंडियों की रोन के अरूज पर मवेशियों के महंगे दाम, ग्राहकों के व्यापारियों से रेट कम करने की तकरार। शानदार सहाफती खिदमत का एतराफ, लाख में दुनिया मीडिया ग्रुप के रिपोर्टर ताहिर बुखारी के एजाज में तकरीब सजाई गई। स्टेज फिल्म और शोबिज की नामवर शख्सियात की शिरकत, ताहिर बुखारी को कल्चरल अवार्ड से नवाजा गया। म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए।